सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो व्यूअर, मैं डॉक्टर मासूम करीम आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो बात करेंगे एपेटाइट या भूख के बारे में। अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती, भूख की शिकायत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, भूख नहीं लगने के कारण आप कुछ नहीं खाते हैं, तो दिन ब दिन आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, बीमारी में बहुत ही ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं, साथ साथ देखते हैं घर में बच्चे भी कुछ नहीं खाते हैं, बच्चे को फुसलाते हैं, बाबू खा लो, सोना खा लो, इस तरह करके आप कुछ दूसाते रहते, खिलाते रहते, कुछ नहीं खाते। इस तरह की अगर समस्या है तो आज के वीडियो बात करेंगे कुछ जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो भूख को दूर करने के लिए, भूख की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये समस्या है तो इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह के हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूख नहीं लगने की जो कारण है, सबसे ज़्यादा कारण है देखते हैं कि क्रॉनिक कोई बीमारी, बहुत दिनों से अगर आप कोई बीमारी झेल रहे, जैसे कि जॉन्डिस हो या मलेरिया हो या कुछ ऐसे बीमारी जिसके कारण देखते हैं कि आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता भूख की समस्या देखने को मिलते हैं। साथ साथ देखते हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं तो शराब पीने के कारण भी देखते हैं भूख की समस्या आते हैं, या दोस्तों देखते हैं कि और भी बहुत ही ज़्यादा देखते हैं कि समस्या आते हैं, जैसे कि आप ठीक टाइम पर नहीं खाना खाते तो नहीं खाने के कारण या चाय वगैरह उपयोग करने के कारण भी भूख की शिकायत देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन जो कि भूख की शिकायत को दूर करते हैं और दोस्तों अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन हम देते हैं दोस्तों, वो डॉक्टर रेक वाइट की आर्सेनिक की मेडिसिन R31। दोस्तों, R31 जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला मेडिसिन है, भूख की शिकायत को बिल्कुल दूर करते हैं, साथ साथ दोस्तों भूख को बढ़ाते हैं और दोस्तों आपको जो है हेल्दी रखते हैं, बीमारी मुक्त लाइफ जीने की मौका देते हैं, क्योंकि R31 एक बहुत ही एपेटाइट की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के स्पेसिफिक के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन डाला जाता है वो आर्सेनम जोडीटम बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं भूख की समस्या को दूर करने के लिए, सल्फर, लाइकोपोडियम और दोस्तों फेरम क्लोरेटम मेडिसिन जैसा इसमें मिलाए जाते हैं, क्योंकि सभी दोस्तों भूख की समस्या को दूर करने के लिए अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ दोस्तों, जो मेडिसिन मैं हमेशा यूज करता हूँ वो है दोस्तों चेलिडोनियम मदर ये बहुत ही इफेक्टिव काम देखने को मिलते हैं। अगर लीवर रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो दोस्तों चेलिडोनियम ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको चेलिडोनियम मदर दिन में 3 मरतबा लेना, बच्चा है तो दोस्तों उसको 10 बूंद दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ। अगर आप बड़े हैं तो बड़े को भी आप 15 बूंद ले सकते हैं गुनगुना पानी के साथ दिन में 3 बार खाने से पहले। दोस्तों, साथ साथ डॉक्टर रेक वाइट की R31 जो मेडिसिन है उसको भी आपको दिन में 3 मरतबा लेना है, बच्चे को दीजिए 10 बूंद और आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं तो आपको लेना है 15 बूंद, वो भी दोस्तों खाने से पहले, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। साथ साथ दोस्तों, मैं जो तीसरा जो मेडिसिन हमेशा यूज करता हूँ वो हाइड्रेस्टिस कैन। दोस्तों, हाइड्रेस्टिस कैन जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलते हैं, भूख की शिकायत को दूर करते हैं और दोस्तों आपको जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो या देखते हैं कि पेट रिलेटेड या भूख रिलेटेड कोई भी समस्या हो, बीमारी को दूर करते हैं, इस तरह की समस्या के लिए हाइड्रेस्टिस कैन, इसको भी आप मदर टिंचर में लेना होगा। आप भी इस अगर बड़े हैं तो 15 बूंद लीजिए या दोस्तों अगर बच्चे हैं तो 10 बूंद दीजिए। दोस्तों, आप जो है डॉक्टर रेकोगे एडल या SBLIWSI की मेडिसिन को लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश और मस्त रहिए।